हमारे जीवन में तकलीफ आती है, तकलीफ आती है तो हम डर जाते हैं, डर के क्या करते हैं, मन डोल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हमें तकलीफ आती है, हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, हमेशा एक सच्चाई का रास्ता, एक वो मुश्किल होता है, और एक आसान रास्ता वो गलत रास्ता होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझो पकड़े गए किसी चीज में, रिश्वत दे दो आसान रास्ता है छूट गए, एक मुश्किल रास्ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कोई भी नहीं, कौन है जो रिश्वत कटवाता है, सब रिश्वत देके छूटने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक सच्चाई का रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। हम हमेशा हम डर जाते हैं, मन डोल जाता है, लालची हो जाता है, किसी भी प्रकार मन डोल गया, बात खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन डोल गया, हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। वाणी कहती है, अगर तेरी सूरत वाणी से जुड़ी हुई होगी, नाम से जुड़ गई होगी, तू गलत रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेगा, क्योंकि गलत रास्ते का एंड गलत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर होगा कैसे, चरण कमल चित रहे हो समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी सूरत नाम से जुड़ गई है, कमाल की बात है, हम अरदास में रोज पढ़ते हैं क्या, जिन्होंने तरम हेत शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़िया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े, तन आर्या नाल चिराए गए, तिना दा ध्यान धर के बोलो जी। ये कौन थे ये लोग जिनके तन आर्यों से चीरे गए, आधे आधे कर दिए गए, खोपड़िया निकाल दी, जीते जी आधी खोपड़ी निकाल देते थे। कहा जाता था या तो मुसलमान हो जाओ, ये धर्म अपना छोड़ दो, तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, या तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सिखों ने क्या किया, मरना मंजूर है, धर्म नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब काटने लगे, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं साथ संगत जी, अगर मैं कभी ये घटनाएं यहाँ पे लेता नहीं, इतनी डिटेल में है कि सुना नहीं जाता, बोला नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिल जाता है हृदय। गुरु तेग बहादुर साहब जी सामने हैं, कहने लगे कह दो ये मेरा गुरु नहीं, कहने लगे मर जाएंगे पर यही हमारे गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने फिर आखिरी इच्छा बता दो, तुम्हारा तन चीरे जाने वाला है आरे से, बीच में से दो आदमी पकड़ के आरे से काटेंगे तुम्हें बीच में से। कहने लगे एक ही बस आखिरी इच्छा है कि मेरा मुख गुरु तेग बहादुर साहब जी की तरफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपजी साहब जी की बाणी शुरू हो गई, तन काटा जा रहा है, दो टुकड़े हो गए तन के, बाणी चल रही है, जपजी साहब जी का पूरा पाठ खत्म हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो टुकड़े होने के बाद भी बाणी की आवाज आ रही है। ये कौन लोग थे जिन्हें डर नहीं लगता था, कैसे, चरण कमल चित रहे हो समाए। ये जुगति है, अगर हमारे चित गुरु के चरणों से जुड़ गया, ये जो अभ्यास हम रोज बात करते हैं अभ्यास करने की, अगर हम करते रहे, करने की बात है साथ संगत जो कोई कर ले, यानी संसिंह जी मस्किन जी वतन सुनाते थे, कहते थे कानपुर की घटना है शायद, कानपुर में कहते मेरा कीर्तन दरबार कई दिनों का, वहां पर मेरी मित्रता हो गई किसी से जिसका कोई दुकानदार था कपड़े वाला, गुरुद्वारे के रास्ते में उसका घर, मैं जाते हुए उसे ले जाता था, चल गुरुद्वारे चलते, वो भी चल पड़ता था। रोज कीर्तन सुनता था, रोज कथा सुनता था। मैंने एक दिन उसे पूछ लिया कोई अभ्यास भी करता है, तो कहने लगे, उसने जवाब दिया नहीं, अभ्यास क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कोई वाहेगुरु स्मरण का जाप, कोई मूल मंत्र का अभ्यास, कहने लगे नहीं कुछ नहीं करता। ज्ञानी संत सिंह जी मस्किन जी कहने लगे, मैंने उसे कहा अभ्यास करने का तरीका बताया और कहा कि अमृत वेले उठ के केवल आधा घंटा कर लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कीर्तन सुनता है, सेवा करता है, कथा सुनता है, आधा घंटा सिर्फ अमृत वेले अभ्यास कर लिया कर। यानी संसिंह जी मस्किन जी कहने लगे, मुझे तब पता चला कि ईर्ष्या क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेलसी क्या होती है, कहने लगे दिनों दिन मैं उसे देखता था, उसकी अवस्था बदलती जा रही है, दिनों में महीनों की बात नहीं। कपड़े का दुकानदार, कपड़े का व्यापारी, आधा घंटा अमृत वेला संभालना शुरू किया, वाहेगुरु सिमरन का ध्यान लगाना शुरू किया। कहने लगा थोड़ा खाना थोड़ा बोलना, उसका जीवन इतना ऊंचा हो गया, उसके चेहरे पर वो जलाल वो लाल चुप कर गया वो,
और कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है सारी, वो जो अब मुख से कहता है वो बात पूरी हो जाती है, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। सारे लोग उसे भगत जी कह के बुलाने लगे क्योंकि अवस्था इतनी ऊंची हो गई। कहने लगा मैं हैरान हो गया, बताया मैंने है इसे और ये पहुंच गया, मैं अभी तक पहुंचा नहीं, प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। मुझे जेलसी होने लगी इससे कि मैंने बताया है। कहने लगा मैंने अरदास की गुरु नानक को पाछा, मैंने इसे रास्ता बताया, ये आधा घंटा सिमरन करके अमृत वेले पहुंच गया। कहने लगे मेरी नजर में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो मानने की है, सुन सब रहे हैं, यानी संसीन जी मिस्किन जी कहने लगे हम सब सुनते हैं, मानता कोई विरला है और जो चल पड़ता है गुरु नानक मेहर करे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर डर नहीं, निर्भव जपे सकल भव मिटे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।